for this day since like forever. But kya nervousness, butterflies, kya? एक्चुअली सब एक साथ हो रहा है तो कुछ बोल कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात करें. हम बाउंसर जा रहे हैं अभी, ट्रेंडिंग नंबर 3 पे चल रहा है अभी. ट्रेंडिंग नंबर 3 पे जा रहा है एंड बहुत जल्दी, आई थिंक इतने जल्दी आवर्स में अगर ट्रेंडिंग नंबर 3 पे आ गया तो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी आ जाएगा इंशाल्लाह. यार स्टेफन, थोड़ा सा गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, क्या कुछ नया होने वाला है इस गाने में, और जो अभी ट्रेंडिंग जो स्टार्स है आपके गाने में, साथ ही आपका आवाज भी है, थोड़ा सा बताइए गाने के बारे में. सी आई थिंक द बेस्ट एक सिंगर को जरूरत पड़ती है ऑब्वियसली एक राइट एक्टर, एक्टर की ऑब्वियसली जो जस्टिस दे पाए गानों. एंड आई थिंक हु एल्स देन देम यार, मतलब ना अपने आवेज ने और नगमा दोनों ने, दे हैव डन द बेस्ट वर्क एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दे आर फीचर इन द वीडियो एंड दे हैव डन ऑल जस्टिस. ये गाना एक्चुअली इमोशनल सॉन्ग है और शायद कुछ बहुत ही अलग टॉपिक उठाया है, मतलब मेरा महबूब किसी और का हो ही जानता है, मतलब जो मेरा महबूब है वो किसी और का हो रहा है, इस दैट सब पंजाबी लिरिक्स. तो कुमार पाजी ने लिखा है, इज अ लेजेंडरी लिरिसिस्ट डेफिनेटली एंड इट ऑल गोज टू अनुराग जी, वेरी थैंक्स टू जी म्यूजिक कंपनी ऑब्वियसली. एंड जब मुझे पता चला कि लोग फीचर हो रहे हैं तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स देयर टाइम इज राइट नाउ एंड दे आर डूइंग द बेस्ट. आप जानते हो अभी जितनी फैन फॉलोइंग इन लोग की अभी किसी की नहीं है इस टाइम पे. आई थिंक दे कैन ओनली डू द मोस्ट जस्टिस टू द सॉन्ग राइट नाउ, सो आई एम रियली हैप्पी दैट दे आर हियर. एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस तो कभी रही नहीं है, पर ऑलवेज ऐसा रहा है कि इफ वी डू समथिंग, जब भी हम कुछ करें कुछ अच्छा ही करें और ऑडियंस के लिए करें, ताकि यू नो वो हैंड इन हैंड जब हो जाता है, आप ऑडियंस के लिए कुछ करो तो फिर वो ऑडियंस ऑटोमेटिकली आपके लिए करती है. सो द होल आइडिया हमारे कॉन्सेप्ट के पीछे वही होता है कि ऑडियंस को ही पसंद आना चाहिए, तब सब कुछ होगा, उनकी खुशी में हमारी खुशी बेसिकली. आवेश नगमा, आप दोनों से जानना चाहेंगे पूरा वीडियो का अगर एक्सपीरियंस की बात करें, काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा बताइए हमारी. मज़ा है बिकॉज हमने आर्मेनिया में शूट किया था, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, वेदर भी कितना अच्छा था, कोल्ड वेदर था, तो एक्चुअली वैसा वेदर के लिए हम काफ़ी मुंबई में रह के तरसते हैं, सो काफ़ी अच्छा वेदर था और सॉन्ग तो बहुत ही प्यारा है. मेरे को लगता है ये पूरे गाने की नंबर वन फैन मैं ही हूँ, हमने बहुत बार सुना एक्चुअली. हाँ मैं वॉइस नोट में, वो गाना है मेरे और मैं उसको वॉइस नोट में प्ले करती थी बिकॉज फाइनल होके नहीं आया था मेरे पास, एंड इनकी आवाज़ लाइक एंड रामजी ऑल्सो वॉज, मतलब उनके साथ में काम करना, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था टिकटॉक बड़े बजट पे बना रहे हैं. तो वो बहुत अच्छा था उनके साथ में काम. इनपुट्स जानने भी मिला हमें, तो क्रिएटिव फ्रीडम भी था. या और परफॉर्मेंस की बात करें, अगर हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस है वो एक ही रीजन से है, आई थिंक वो हम आपके वॉइस को फील कर करके वो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेशन आ रहे थे, ये आ रहे थे, क्योंकि उसके अंदर फील ही इतना अच्छा है कि हम सुनते ही वो ऑटोमेटिकली मोड चेंज हो जाता था. yes. वो अपने आप ही मोड चेंज हो जाता था गाना सुनते ही. सो ही इज़ डन अ फैब जॉब गाइस, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, मेनली फॉर हिज सिंगिंग. नो मेनली फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज जैसा कि ये कह रहा है, इसने फील किया आवाज़ को, मतलब वो एक राइट एक्टर ही फील करेगा आवाज़ को. एंड आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिएक्शंस, क्योंकि आप लोग बताओगे आप लोग गाना कैसा लग रहा है. yeah. हम लोग तो हमारा काम तो डिलीवर करना है, काम करना है. एंड लोग भी एक्सपीरियंस दो, आप लोग इतना देख रहे हो, इतने सारे गाने आ रहे हैं आजकल, वैसे भी इतने गाने चल रहे हैं ना यूट्यूब पर, हर दिन एक गाना आ रहा है, तो कुछ हटके गाना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक इसलिए कुछ हटके कोशिश करिए. एंड आवेज की सबसे अच्छी बात यह है कि आवेज कुछ हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स करता है, विच आई रियली लव अबाउट हिम. नहीं मेरे को, मुझे डर लगता है डैडी को दिखाने से. तो मैं क्या करता हूँ, पहले ऑडियंस का रिएक्शन ले लेता हूँ, अब जब वो अच्छा होगा ना तब मैं उनको फॉरवर्ड करूँगा और फिर बोलूँगा कि हाँ अब बताओ आपको कैसा लगा है, क्योंकि मुझे पता है उनके साइड से ना बहुत क्रिटिसिज्म आता है, विच इज़ गुड, वो मेरी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट डे है, एक बार मुझे पता चल जाए सब अच्छा बोल रहे हैं तब मैं फॉरवर्ड करूँगा, बोलूँगा हाँ डैडी अब बताओ कैसा लग रहा है. एक्चुअली अच्छा आवेश और मैं रिसेंटली फ्रेंड्स बने और उसके बाद से आई डोंट नो थिंग्स आर वर्किंग सो गुड, आज तो हमारा कपड़े भी मैच हो गए. सी बेसिकली एक सिंगर हूँ मैं और ऑब्वियसली ये एक्टर हैं, अभी टिकटॉक स्टार भी हैं, तो ये मैच होना बहुत ज़रूरी था कि यू नो एक सिंगर के लिए एक टिकटॉक सबसे सही प्लेटफॉर्म है एंड टिकटॉक के लिए एक सिंगर बहुत बड़ा बहुत राइट पर्सन है, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच एंड शायद
यार इसलिए सब कुछ मैच हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है एक्चुअली। ऑनलाइन आप दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया है, इस गाने में, इस पर्टिकुलर गाने में कैसी केमिस्ट्री होने वाली है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताया जिसने अब तक गाना नहीं देखा। ये गाने में तो एकदम ही केमिस्ट्री बहुत है, केमिस्ट्री है लेकिन बट शायद दिल में एक दर्द छोड़ के जाएगा ये वीडियो, बट वही चाहते थे हम, बिकॉज काफ़ी बार हमें साथ देखा है तो यार इस टाइम हमने कुछ हमने काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग्स किए हैं तो अब ये वाला बारी था कि कुछ ऑफ करें। सो आप इसमें हमें कुछ डिफरेंट वे में ही देखोगे और हम आई थिंक हार्डली रोमांटिक के साथ में होते होते फिर वो एंड में जब आप पहुँचोगे ना तो आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं कि हमने इस बार क्यों अलग किया है, आपको समझ में आ जाएगा जब वीडियो देखोगे। इसका फीडबैक इस तरह है कि आप ये बेसिकली लव डिफाइन कर रहे हैं हम इस सॉन्ग में कि लव इज़ नॉट एक्चुअली सपोज टू बी, मतलब हम ज़रूरी नहीं कि हमको लव मिलना ही चाहिए, अगर आपका लव्ड वन किसी और चीज़ में खुश है तो आप उसे उसी चीज़ में, हाँ आप सैक्रिफाइस, लव इज़ ऑल्सो अबाउट सैक्रिफाइस, तो इसमें वो एंगल दिखाया गया है। हम थोड़ा सा उसको बेकार करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हाँ फ्यू लाइन्स वही है, अखियां दे सामने अखियां दे ख्वाब टूटी जांदे ने, टूटी जांदे ने तेरे जाने बाद दर्द बेहिसाब तड़पांदे ने, तड़पांदे ने याद तेरी लेके सीने विच बैके, याद तेरी लेके सीने विच बैके दे रोई जांदा मेरा महबूब किसे और दा होई जांदा है, मेरा महबूब किसे और दा होई जांदा है। रामजी के बहुत एफर्ट्स है क्योंकि अभी सारे रामजी गाने ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, सो आई थिंक रामजी हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल, यू गाइस शुड डेफिनेटली नो इट राइट नाउ, या आई थिंक एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क मोर नाउ। रामजी आपको कैसा लगा इतना सॉन्ग, किस तरह की केमिस्ट्री है ना, हम नहीं बनाया तो हमें तो अच्छा लगा। It's always been a pleasure. हम काफ़ी टाइम से नगमा और आवेश को वीडियोज़ बनाते हुए देखते हैं एंड इट्स लाइक इन मैजिकल पेयर, बहुत अच्छे दिखते हैं दोनों और इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल है जो हमको स्क्रीन पर भी दिखी होगी। एंड जब इनके पास मैं वीडियो लेके भी गया था, ये एक ट्रू आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, इनके अंदर एक एक्सेप्टेंस था कि हमें साथ में लास्ट में मिला नहीं रहे एंड दे वर रेडी टू गिव जस्टिस टू द स्टोरी, तो इन दोनों को हैट्स ऑफ जो इन्होंने मुझे यस किया इस गाने के लिए, इसी म्यूज़िक को यस किया एंड इट्स कम आउट सो ब्यूटीफुल। फर्स्ट कट ओनली, वी वर सो हैप्पी विद इट। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साथ में चलो, आगरा संभालना पड़ता है। इतने अच्छे सॉन्ग के साथ इन्होंने शुरुआत की, आई गेस दोनों का डेब्यू है फर्स्ट म्यूजिक वीडियोस में, सो कंग्रेचुलेशंस टू देम, कंग्रेचुलेशंस टू राम जी एंड कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम। ओके, अपनी लैब का भी हैंड ब्रेकिंग
that is the reason why they are on trending. So that's why the people are making it and audience is appreciating it. So वैसे गाने और भी आने वाले हैं hopefully. और आप लोगों को पसंद आते रहे, हम बनाते रहे content. So बस इतना ही चाहती हूँ. अच्छा, आप लोगों के fans लोग जिस तरह के respond करते हैं आप लोगों को, उससे कितने खुश हैं आप लोग, क्योंकि उनका instant reply आ जाता है आपके जितने भी songs होते हैं और right, right. compliment को कैसे लेते हो? बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, कोई नेगेटिव कमेंट्स भी हो तो हमेशा पॉजिटिवली लेती हूँ. एंड ऑब्वियसली नेगेटिव अगर किसी ने कुछ लिखा होगा तो किसी मकसद से ही लिखा होगा. एंड मैं जस्ट इतना बोलूँगी कि कभी देख के ऐसे बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज यू शुड ऑलवेज ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. एंड फैंस का सपोर्ट रहे, फैंस का प्यार रहे तो बस और कुछ नहीं चाहिए. आपके भी बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं, मिस्टर फैजू के साथ आने वाले और सिद्धार्थ के साथ भी. जी जी, दोनों के बारे में बताएं. सबसे पहले फैजू वाला जो सॉन्ग है उसके बारे में. फैजू के साथ सॉन्ग आने वाला है एंड अभी तक हम रिलीजिंग डेट नहीं बता रहे हैं, बट होपफुली बहुत ही जल्द आने वाला है. एंड बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही पार्टी, बहुत ही क्यूट सा सॉन्ग है. सो आई कांट वेट फॉर दैट. एंड अटैचमेंट इज ऑल्सो गोना कम वेरी सून. आई होप कि इसी मंथ हम लोग रिलीज कर दें. सो ऑल द सिडनी फैंस दे आर गोइंग क्रेजी अबाउट दैट. सो इतना ही बोलूँगी दैट गाइज प्लीज़ थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, अटैचमेंट बहुत जल्दी आ रहा है. फैजू के साथ जो गाना है उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स हमने देखी है, आप जो बाइक के ऊपर फैजू के साथ बैठे हो. जी, तो कैसी लोकेशन में शूट हुआ है थोड़ा सा बताइए हमारे. इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स फायर लिटरली. एंड रामजी सर ने जो मतलब कमाल एग्जीक्यूट किया है जो गाने को, और जो शॉट्स लगाए हैं, जो यू नो बहुत ही बड़ा गाना है आवुद से, और उसको देखकर ही मैं आवुद से कि अरे ओ माय गॉड, ये तो मतलब अलग ही, दिस इज गोना बी मैजिक. सो बहुत ही अच्छा गाना है एंड आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए. अटैचमेंट के बारे में जी, अटैचमेंट के बारे में एक्चुअली वी हैड रिलीज द टीजर, बट राइट नाउ आई होप कि जल्दी पोस्टर भी रिलीज हो जाए जो हमारा ऑफिशियल पोस्टर है, और उस ऑफिशियल पोस्टर के साथ हम लोग डेट भी रिलीज करेंगे, बिकॉज अभी तक हम सब कमिंग सून ही बोल रहे हैं. बट आई होप कि बहुत ही जल्द हम लोग डेट रिलीज करें, बिकॉज फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. थैंक यू, थैंक यू सो मच. रही बात आवेज नगमा की, दे आर फैब एंड दे आर वेरी नाइस टुगेदर एंड द सॉन्ग इज अमेजिंग. आई फील केमिस्ट्री उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, जो ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छी है. या देखते हैं, बताओ सेवन को मांगे करो. मैं नहीं जानती स्टेपिन, अभी मिलवा दूंगी मैं, अभी मिलूंगी फिर कहूंगी कि साथ में ले लो एक और डाल. यहाँ पे तो आप खुद देखेंगे, बट अभी तो हम दीवानी मस्तानी पे डांस करते कर रहे थे मैं और समीक्षा. सो आई थिंक अंदर भी बहुत मजा आएगा. And I should tell you that she's a fabulous dancer. You should see her dancing. Chal. Yes, we have seen her. What? You have seen her? Yeah. Gir ke mare the. Chalo. Thank you. Thank you. Bye.
याद ही नहीं उठता, उनकी केमिस्ट्री में बहुत सालों से देखती आ रही हूँ. और मेरा महबूब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैंने इन दोनों से पहले गाना देखा है ना, वेरी हैप्पी अबाउट दैट. सबसे पहले गाना जन्नत से देखा था. हाँ मैंने बोला, मैंने कहा आप लोगों से पहले मैं गाना देख चुकी हूँ. तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा एंड कंग्रेचुलेशन टू देम बैक टू बैक. कंग्रेचुलेशन टू सर ऑफकोर्स. सबका साथ में कॉकटेल बना के आएंगे हम लोग, है ना, सब साथ में आएंगे. और फैंस अभी ये हमारा जो गाना आ रहा है ना, जो गाना आ रहा है इसका नाम फ्रूटी है, अभी फिर वो कॉकटेल हम नाम रखेंगे इसका. मैं पहले देखूंगा. मैं हां जन्नत भी है. हां इक्वल हो जाएगा फिर. जन्नत फ्रूटी की बात की जाए तो अभी जो सर डिस्कस कर रहे थे कल उसका टीजर आउट होने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है उसके लिए? बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज बहुत हैप्पी सॉन्ग है. और मैं तब से ही बोलते हुए आ रही हूँ कि मैं रो ही नहीं हूँ गाने में, तो मैं बहुत खुश हूँ. बहुत हैप्पी सॉन्ग है. वो टीज़र मैंने भी देखा है. देख लिया? Yes, वो, भी देखा. वो टीज़र देखने के बाद मैं ऐसा हो गया था, वो लेवल अप. लेवल अप. लाइक टुमारो यू गाइस आर गोना लव द टीज़र. या इट्स अ माइंड ब्लोइंग टीज़र. मुझे इन सबसे बहुत कुछ सीखने मिलता है. एंड दे आर सो लवली पीपल, सो हम्बल पीपल, और इतने टैलेंटेड हैं, इतने क्रिएटिव हैं. सो यू नो व्हेनेवर आई मेक कंटेंट विद देम, व्हेनेवर आई मेक वीडियोस विद देम, आई गेट टू लर्न सो मच. एंड हम सब मिलके एक कोशिश करते हैं कि सबके इनपुट से गाने में हो और कुछ अच्छा लेके आए आप सबके लिए. सो आई एम अ बिग फैन ऑफ एवरीबडी हियर. दे आर रियली रियली गुड एट द वर्क एंड रियली थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव गॉट अ चांस टू वर्क विद एवरीवन. जनक फ्रूटी तो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन क्या खास बात देखती है जब कोई भी गाना करती है? क्या समझी नहीं. कोई भी गाना आप साइन करती है तो क्या खास चीजें देखती है? तो साइन करते नहीं हम गाने, सिंगल शूट होता है. लेकिन अच्छी बात, आई थिंक पूरे सॉन्ग पे डिपेंड करता है सॉन्ग कैसा है और उसका स्टोरी लाइन क्या है. बिकॉज सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि गाना अच्छा हो, जब तक वो सुंदर दिखेगा नहीं तो यू नो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा और बार बार देखेंगे नहीं. तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पूरा पूरा टीम वर्क होता है, इतने लोगों की मेहनत लगती है, तो फिर जाहिर सी बात है गाना तभी ट्रेंड करता है और आप लोग इतना पसंद करते हैं. हमारा गाना बस कुछ ही दिन में हो जाएगा, थोड़े दिन और रखें क्यूरियोसिटी. आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. और प्रचुर माशाल्लाह अभी इनका गाना आया इससे पहले और फिर दोबारा से इनका गाना आ रहा है. आई होप कि ये ऐसे ही गाने लाते रहें और सब गाने इनके ट्रेंड करते रहें. आई रियली वॉन्टेड टू बी हियर. मैंने बोला था मैं यहाँ नहीं थी, मैं जैसे ही लैंड हुई मैं जल्दी से गई, तैयार हो गई. मैं कब मैं जा रही हूँ. कंफर्मेशन मिली नहीं कि वो बाहर आ चुके हैं. हाँ हमको भी कोई कंफर्मेशन जो भी है, हम हमारा सारा सपोर्ट ऑल आवर विशेस आर विद देम एंड अदनान विन द शो एंड यस थैंक यू कुछ बाहर आने वाला बाहर आ गया वो मोस्टली ऐसा है. मैंने एक वीडियो देखा था पर मुझे लगा ऐसी फेक हेडिंग डाला होगा उसके लिए, तो मैंने ओपन भी नहीं किया. हां डालते हैं ये लोग. पर द होस्ट सेड दैट कि मैं जान
song is really good. First of all, congratulations to Aways and Nagma. It is a lovely, lovely song. And Ramji Gulati, it's a lovely song. And they both look very cute, so the song wasn't good. It's very beautiful. You both like chemistry, what do you want to say about it? आप लोगों ने पसंद करा तो हम और करे जा रहे थैंक यू सो मच. हमें नहीं पता था हम इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा हमें लोगों का. रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट एवरीबॉडी. जब आप लोगों ने शुरुआत की थी तो कैसे की थी, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये केमिस्ट्री कैसे, मतलब आपको पता चला कि ऐसा कुछ करना चाहिए हमें साथ में. हमने ऐसे ही बोलना शुरू किया, देन वी थॉट कि क्यों ना इसे आगे लिया जाए, तो दैट्स व्हाई वी गॉट इन द शो. बहुत बार होता है साथ में बोलते हैं, अब भी हो जाता है. आजकल तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा होने लग गया है. ओके, मैं चिंकी हूँ. नहीं ठीक है, ठीक है, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है, जस्ट डेमो. ओके, और कपिल शर्मा से कैसे मिले आप लोग, थोड़ा सा बताइए इस बारे में. एक्चुअली वी रिसीव द कॉल फ्रॉम देयर एंड, तो हमें कॉल आया, हमने ऑडिशन दिया एंड वी गॉट थ्रू. It was super amazing. It's amazing. He's a humble guy, like everybody in the team. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sure.